नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल इंडियन स्टाइल कुकिंग विद नीतू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट कच्चे केले की सब्जी। ये केले की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब इसका स्वाद लग रहा था। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाकर तैयार की हूँ। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कच्चे केले ले ली हूँ। केले को अभी छील लेना है, तो आगे से थोड़ा सा काट कर और देखिए इस तरह से एक हिस्सा हटा दीजिए छीलकर, और इसके बाद ये छिले हुए हिस्से में चाकू इस तरह से करके थोड़ा सा हटाइए और फिर इसे आपको इस तरह से छील लेना है। केले के छिलके थोड़े सख्त होते हैं तो छीलने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो आराम से आपको छील लेना है। हमने यहाँ पर वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी लग रहा है। देखिए इसके छिलके कितने अच्छे से हट चुके हैं। इन दोनों को भी हमने पहले की तरह ही छील लिया है। छीलने के बाद केले को अच्छे से धो लीजिए। हमने यहाँ पर धो लिया है। अब एक मिक्सी का जार ले लीजिए और सभी छिले हुए केले को इस तरह से काट कर जार में डाल देना है। साथ ही 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए। अदरक के छिलके को हटाकर धो लीजिएगा, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालिएगा। फिर यहाँ पर मैंने 5 से 6 कलियां लहसुन की भी डाल दी है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालिए और ढक्कन बंद करके बहुत ही महीन बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। पीसते समय पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कीजिएगा, हमें इस तरह का गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। सभी पेस्ट को किसी अलग बर्तन में निकाल लीजिए। और अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच भर के बेसन। बेसन बहुत ही ऊपर तक चम्मच में हमने भर के डाला है। अब यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए। साथ ही यहाँ पर 2 चुटकी हमने मीठा सोडा डाल दिया है। सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने से पहले मिक्सी के जार में 2 से 3 चम्मच पानी डालकर और इसमें डाल दीजिए ताकि सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो देखिए हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद 2 मिनट इसे एक ही दिशा में घुमाते हुए इस तरह से फेंट लेना है। देखिए इस तरह का हमें गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है, इसे पतला नहीं कीजिएगा। अब इस तरह का एक प्लेट या थाली ले लीजिए। तो मेरे केले के पेस्ट थोड़े कम है तो छोटी प्लेट ली हूँ, अगर आपके ज्यादा है तो थोड़े बड़े बर्तन ले सकते हैं। उसमें 2 से 3 बूंद हमने तेल डालकर पूरे प्लेट पर अच्छे से फैला लिया है। और ये जो हमने केले का पेस्ट तैयार किया था इसे प्लेट के ऊपर डालकर और अच्छे से देखिए इस तरह से बढ़िया से फैलाकर और चम्मच से अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से थपथपा दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। कढ़ाई में हमने 1.5 गिलास पानी डालकर बढ़िया से गर्म कर लिया है। पानी से भाप आने लगे तो ये प्लेट को रखकर और ढक दीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम आंच पर हमने लगभग 7 से 8 मिनट इसे पकाया होगा। इतने देर में अच्छे से ये पक जाता है तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए। आप उंगलियों से इसे टच करेंगे तो ऊपर से ड्राई हो चुका होगा, तो गैस का फ्लेम बंद करके निकाल लीजिए। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इस तरह से चाकू से इसे कट कर दीजिए। केले का पेस्ट जो बनाया था वो यदि आपका थोड़ा पतला होगा तो पकने में थोड़ा सा ज्यादा भी समय लग सकता है, तो मेरा तो 7 से 8 मिनट में पक चुका था। और यहाँ पर देखिए इसकी मोटाई भी इस तरह की है, अगर इससे मोटा लेयर रहेगा तो उसे भी पकने में ज्यादा समय लगेगा। तो इस तरह से हमने सभी पीस काट लिए हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ली हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है। तेल को पूरे पैन पर अच्छे से फैला दीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और ये जितने भी पीस हमने काट के रखे हैं सारे एक बार में ही डाल दिए हैं पैन में, और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए सिकने दीजिए। जब एक तरफ हल्का सा सिक जाए तो फिर इसे पलट दीजिए और दूसरी तरफ भी इसे 1 से 1.5 मिनट सिकने दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इसे हमें कुरकुरा नहीं बनाना है, बस दोनों तरफ से हल्का हल्का सेकना है। तो देखिए ये इस तरह का हमने सेक कर तैयार किया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ और इसे अब हम साइड में रख लेते हैं। फिर से पैन में थोड़ा सा तेल डालिए। मैं सब्जी बनाने के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर तेल जैसे ही गर्म हो जाए 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए। 10 से 12 दाने काली मिर्च के यहाँ पर डाल दी हूँ, और साथ ही अब इसमें 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल दी हूँ। 3 हरी इलायची डाल दीजिए और साथ में 3 लौंग यहाँ पर डाल दी हूँ मैं। थोड़ा सा भुन जाने दीजिए सभी चीजों को।
जैसे ही हल्का सा ये भून जाए तो प्याज डाल दीजिए। प्याज यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज का ली थी, और देखिए इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट के डाल देना है। प्याज को कुछ देर भून लेना है। जब थोड़ा सा प्याज सिक जाए तो इसमें 5 से 6 कलियां लहसुन की और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा भी हमने डाल दिया था। जब अदरक और लहसुन दोनों प्याज के साथ भून गए तो फिर 1 टमाटर को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल देना है। देखिए सारी चीजें बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद करके और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दीजिए। ये प्याज टमाटर का मिश्रण ठंडा हो गया तो मिक्सी के जार में डाल दी हूँ। अब थोड़ा सा पानी डालकर और एक महीन सा पेस्ट हम इसका तैयार कर लेंगे। बढ़िया से मिक्सी को चलाइएगा तो देखिए इस तरह से बारीक पेस्ट तैयार करना है हमें। अब पैन में फिर से हमने थोड़ा सा तेल डाला है और तेल गर्म होने के बाद 2 चुटकी हींग डाल दी हूँ। साथ ही हम यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए हैं। ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, कलर के लिए डाले हैं। इससे सब्जी का कलर बहुत ही बेहतरीन आता है। यदि आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तेल में मिर्च के पाउडर को मिलाने के बाद हमने जो मसाला पीसकर तैयार किया था वो सारा का सारा डाल दिए हैं। अब जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो भी मसाले लगे हैं सभी को अच्छे से धोकर और इसी में हमने डाल दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा इस वक्त। सभी चीजों को मिलाने के बाद अब हम सूखे मसाले भी इसी वक्त डाल रहे हैं। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दीजिए। सभी चीजों को मिक्स करने के बाद 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा और ये ध्यान में रखिएगा कि केले का जो हमने पीस बनाया है उसमें भी नमक डाला हुआ है। अब ढककर इसे भून लेना है। धीमी आंच पर लगभग 6 से 7 मिनट हमने मसालों को भून लिया है। मसाले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया से भून गया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथों से रगड़ कर डाल दी हूँ। 1/2 छोटा चम्मच के आसपास कसूरी मेथी डाला होगा। इसे भी मसालों के साथ मिला लीजिए। और अब हम ग्रेवी के लिए डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पर मैं 1 गिलास के आसपास डाली हूँ। जैसी सब्जी की ग्रेवी आपको रखनी है उतना आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसालों के साथ पानी को मिला लिया है। ग्रेवी में देखिए उबाल भी आने लग गया है। जब उबाल आने लग जाए तो ये सारे पीस को डाल दीजिए। एक बार बढ़िया से चला लीजिए और ढककर लगभग 3 से 4 मिनट ग्रेवी के साथ पकने दीजिए, ताकि मसालों का फ्लेवर ये जो हमने केले के पीस बना के रखे हैं उसके अंदर तक चले जाए। ढककर लगभग हमने 3 से 4 मिनट पकने दिया है तो ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। धनिया पत्ता यदि आपके पास है तो थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक काट के डाल दीजिए और तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और 5 से 7 मिनट के लिए सब्जी को ढककर रहने दीजिए और इसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी केले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। इसे आप चावल, रोटी, पूरी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो एक बार आप हमारे इस तरीके से केले की इस टेस्टी सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आपको सब्जी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद।